हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ट्रेडिंग लैब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसजीएक्स निफ्टी के बारे में। देखिए, लास्ट वीक जो है वो न्यूज आई थी कि एसजीएक्स निफ्टी जो है वो जो है बंद हो रहा है। एसजीएक्स निफ्टी, सिंगापुर निफ्टी, जो कि हमारा खुद का निफ्टी है। निफ्टी ही सिंगापुर के एक्सचेंज में ट्रेड होता है। हमारे हमारी जो एक्सचेंजेस है, एनएससी, बीएससी और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज एमएसई, उन्होंने जो है लाइसेंस किया हुआ है अपने प्रोडक्ट्स को और ऑफर किया हुआ है अपने प्रोडक्ट्स को फॉरेन एक्सचेंज के लिए। तो देखिए, अभी ये देखिए न्यूज आ रही है कि देखिए क्या सही में बंद होगा, इस चीज पे क्वेश्चन है। क्योंकि लास्ट वीक जो है तीनों एक्सचेंजेस ने बोल दिया है कि हम जो है अपना बिजनेस जो है बाहर नहीं जाने देंगे। सबसे बड़ी चीज ये हो रही है कि जो भी फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं, मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ, जो भी फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं, जो भी बड़े बड़े FIIs, DIIs हैं, वो जो है सिंगापुर में हमारे निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आज की डेट में ये उठ रहा है कि अगर हमारा यहाँ निफ्टी है, तो हमने जो है निफ्टी को यहाँ से लाइसेंस बाहर क्यों किया हुआ है? हमने बाहर की एक्सचेंजेस को लाइसेंस क्यों दिए हुए हैं? वो एक फीस हमें प्रोवाइड कर रहे हैं एनएससी, बीएससी को और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज को एक फीस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि हमारे अपने 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 प्रोडक्ट्स हैं। निफ्टी और काफी सारे डॉलर बेस्ड डेरिवेटिव्स और डॉलर बेस्ड फ्यूचर्स भी हैं जो हमने यहाँ से लाइसेंस किए हुए हैं। तो अगर सबसे बड़ा पिछले हफ्ते क्वेश्चन यही उठा कि अगर हम अपने यहाँ पे ही उन इन्वेस्टर्स को बुलाएं और अपने यहाँ पे ही उन इन्वेस्टर्स को ट्रेड कराएं, तो हम जो है ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, बजाय इसके कि हम जो है लाइसेंस करें अपने प्रोडक्ट्स को फॉरेन एक्सचेंजेस के, जिसका फायदा फॉरेन एक्सचेंजेस को ज्यादा होगा। फॉरेन एक्सचेंजेस के यहाँ जो जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो ट्रेड करेंगे और जो भी कमीशंस, ब्रोकरेजेस हो गई, वो सारी वहां पे ही जनरेट होंगी। तो इसलिए इन तीन एक्सचेंजेस ने लास्ट वीक डिसीजन लिया कि हम जो है इस चीज को जो है धीरे धीरे फेज आउट कर देंगे और अपने जो है प्रोडक्ट्स को लाइसेंस करना बंद कर देंगे फॉरेन एक्सचेंजेस को। लेकिन जो अभी अभी न्यूज आई है रिसेंटली, वो आई है ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर एमएससीआई की तरफ से। एमएससीआई ने बताया है कि स्ट्रांगली बोला है इन एक्सचेंजेस को कि आप अपने डिसीजन को रिकंसिडर कीजिए, क्योंकि इसके जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट ये हो सकता है कि जो इंडियन मार्केट की हमारी क्लासिफिकेशन है, इंडियन मार्केट को किसी एक दर्जे पे रखा गया है, वो क्लासिफिकेशन जो एमएससीआई, जो इंडेक्स का ग्लोबल प्रोवाइडर है एमएससीआई, जो सारे वर्ल्ड की एक्सचेंजेस को इंडेक्स देता है, सारे इंडेक्सेस को ट्रैक करता है, उनको क्लासिफाई करके कुछ रेटिंग्स देता है, तो वो आपकी रेटिंग्स जो है वो जो हम प्रभावित कर देंगे। तो सीधा सीधा वो चैलेंज कर रहा है कि अपने डिसीजन को रिकंसिडर कीजिए, नहीं तो हम आपकी रेटिंग्स को डाउनग्रेड कर देंगे। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि एनएससी, बीएससी और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिशियल्स जो है वो क्या मीटिंग्स करके इस चीज पे जो है अपने डिसीजन को रिकंसिडर करते हैं या नहीं करते। और देखिए, इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि जो भी फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में, इंडिया का देखिए अभी रेगुलेटरी जो एनवायरनमेंट है वो काफी अनसर्टेन है, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी रेगुलेशंस हैं कि बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ आने से कतराते हैं। तो इसलिए हमने जो है सिंगापुर को और काफी और एक्सचेंजेस को अपने जो है प्रोडक्ट्स लाइसेंस कर रखे हैं कि इन्वेस्टर्स वहां पे ट्रेड करते जाएं। तो इनडायरेक्टली जो इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ नहीं आ पाते हैं वो वहां पे ट्रेड करते हैं और हमें जो है उन प्रोडक्ट्स को लाइसेंस करने की फीस मिल जाती है। हमारे यहाँ पे टैक्सेस भी ज्यादा है, सिंगापुर में टैक्सेस भी कम है। तो या तो ये होगा कि इन्वेस्टर्स जो है हमारे यहाँ आएंगे और कम तादाद में आएंगे क्योंकि यहाँ टैक्सेस ज्यादा है, या फिर वो टोटली जो है गिव अप कर देंगे कि हमें यहाँ आना ही नहीं है, और एक तरह से क्योंकि हम इतना टैक्स बियर नहीं कर सकते। तो अभी रिसेंटली आपने देखा था कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 15% कर दिया गया है, LTCG वापस रीइंट्रोड्यूस हुआ इतने टाइम बाद। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो आने वाले टाइम में देखिए, इस वीक के एंड तक मुझे लगता है कि इस वीक के एंड तक जो एनएससी या बीएससी अपना कुछ नोटिफिकेशन लेके आएगा कि वो लाइसेंसिंग करेगा इस प्रोडक्ट की या नहीं करेगा।
तो देखिए इसका इन्वेस्टर्स को तो फायदा होगा ही, अगर वहां से सिंगापुर से निफ्टी हट जाता है तो इसका फायदा इन्वेस्टर्स को होगा, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स FIIs वहां पे जा रहे हैं तो वो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे वॉलेटिलिटी हाई हो जाएगी। जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी और जितना ज्यादा वहां से पैसा आएगा और जितनी ज्यादा मार्केट में लगेगा, उतना ज्यादा एक अच्छा ट्रेंड एस्टेब्लिश होने के चांसेस इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा जी है। जितनी ज्यादा ट्रेडिंग होगी उतना ज्यादा इंट्राडे और स्विंग ट्रेडर्स जो है प्रॉफिट कमा सकते हैं। पोर्टफोलियो अलग चीज है, पोर्टफोलियो और लॉन्ग टर्म के लिए आप स्टॉक रख रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन अगर वहां से पैसा यहाँ आता है वो और वो यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं तो ये इन्वेस्टर्स के लिए, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल काफी हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि सिंगापुर निफ्टी क्या सही में बंद होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अब MSCI जो हमारा जो इंडेक्स का प्रोवाइडर है आपका MSCI वो भी आ गया है ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर इसमें, और कहीं ना कहीं NSE BSE पे प्रेशर होगा इस चीज का कि वो अपने डिसीजन को रिकंसिडर करें मद्देनजर इसके कि उनकी रेटिंग्स डाउनग्रेड कर दी जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी काफी अच्छी और आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों थैंक यू दोस्तों।